मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट किया था ऑफ एक्सरसाइज 2.3. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 6x माइनस 9 और उस माइनस ए, उसे हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से. डिवाइड किया तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो एक्स को हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स क्यूब मिल जाएगा, और वैसे ही ए को एक्स से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस आ गया और ए एक्स स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे इसका प्लस था तो इसका ऑपोजिट साइन हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस था तो इसका ऑपोजिट साइन हमने प्लस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये दोनों कट हो गए, माइनस हो गए. इन दोनों को हमने नीचे ले लिया. 6x चाहिए तो x को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, और फिर माइनस प्लस माइनस, और 6 को ए से किया तो 6a आ गया. इसका प्लस था तो इसका ऑपोजिट साइन माइनस आ गया, तो ये और ये कट हो गया. देन यहाँ पे माइनस तो इसका ऑपोजिट साइन प्लस आ गया, सो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस किया तो आंसर कितना आ गया, 5a आ गया. आप इसे देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन. इसमें बोला गया है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x. हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो 7 + 3x है वो फैक्टर है 3x³ + 7x का, ये हमें चेक करना है, तो हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 3x³ चाहिए तो 3x को x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x³ आ गया. फिर प्लस आ गया, और 7 को x से किया तो 7x² आ गया. 0x² क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे x² का कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमने 0 डाल दिया. फिर इसका ऑपोजिट साइन प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस आ गया, ये दोनों कट हो गए, प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस आ गया, तो माइनस किया तो माइनस 7x ही आया, क्योंकि बड़े पे माइनस का साइन है. फिर 7x को हमने नीचे ले लिया. फिर हमने क्या किया कि हमें यहाँ पे 7x² चाहिए, तो 3 को हमने 7/3 से मल्टीप्लाई किया. कैसे, देखिए 3 है, ठीक है, और माइनस 7/3 है, इस तरीके से है ना. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 तो कट हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई करना है तो 3 से 3 कट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 7x बच गया. तो यहाँ पे कितना आ गया, 7x² आ गया यहाँ पे. ओके, नाउ अब ऐसे 7x भी है तो 7 को सिक किया तो वही आया, 7 × 7 = 49/3 आ गया. इस 7 को 7 सिक किया तो 49 आ गया, और 3 का 3 आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया, तो इसका ऑपोजिट साइन प्लस आ गया तो ये कट गया. देन इस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, तो प्लस 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 हुआ, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर, सॉरी 7 को 49/3 से प्लस किया तो आंसर कितना आ गया, ये आ गया 70x/3 आ गया. यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है. उसके बाद अब हमें यही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3x को 70/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया. और अब यहाँ पे प्लस है तो इसका ऑपोजिट साइन माइनस लगाया तो ये दोनों कट हो गए, इसका ऑपोजिट साइन माइनस है तो ये एस सी आ गया, और माइनस का माइनस आ गया. आप इसे देखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. ओके, सो ओवर एक्सरसाइज 2.3 इज कम्प्लीटेड टिल द लास्ट क्वेश्चन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.4. इसमें हमें क्या करना है कि हमें दो तीन कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, वी हैव गिवन सम पॉलिनोमियल्स एंड वी हैव टू सी दैट x+1 इज फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स और नॉट. हमें ये दिखाना है कि हमें 3-4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, तो x+1 है वो उसका फैक्टर है कि नहीं है. तो फर्स्ट है x³ + x² + x+1, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, x+1 दिया हुआ है, तो x+1 है तो x को उस साइड लेकर जाएंगे तो -1 आ जाएगा. ठीक है, तो हमें x की वैल्यू यानी कि -1 हमें यहाँ पे रखनी है x की जगह पे, तो x³ की जगह पे मैंने रख दिया -1 का क्यूब, x² पे -1 का स्क्वायर, x पे -1 और +1 का 1. नाउ इसको -1 का क्यूब -1 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, -1 एज इट इज -1 और 1 का 1, सो -1 से कट हो गया, ये -1 भी 1 से कट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया. ये सो 0 आ गया, मतलब क्या है कि ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. एज इट इज सेकेंड हमारे पास पॉलिनोमियल है x² + x³ + x² + x+1, तो सेम x की वैल्यू निकाल लो, -1 आया, इसमें भी हमें क्या रखना है, -1 रखना है, -1 का 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 और +1, सो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 3 टाइम्स किया तो -1 आया, 2 बार किया तो 1 -1 आया. ठीक है, क्यों, ये तो 1 हो जाएगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्लस प्लस, ये प्लस हो गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और प्लस वन का वन। अब देखिए वन से माइनस वन गया, ठीक है, इस माइनस वन से ये भी हो गया और यहाँ का ये क्या आ गया आंसर, प्लस में आ गया वन। ओके नाउ इसीलिए इसका क्या जाता है कि यहाँ पे जीरो नहीं आया है, आंसर जीरो नहीं है, मतलब ये जो एक्स प्लस वन है ये इस पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, नेक्स्ट पॉलीनोमियल हमारे पास ये है। ओके सो उसमें हमने क्या किया, माइनस वन का फोर थ्री, फिर ब्रैकेट में माइनस वन का क्यूब देन थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और फिर प्लस वन, तो माइनस वन का फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, ठीक है, थ्री वन जा थ्री, पर माइनस वन का क्यूब कितना होता है, माइनस वन होता है, तो इसलिए थ्री के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया, फिर इसका स्क्वायर वन हो गया और थ्री वन जा थ्री हो गया, माइनस वन एज इट इज प्लस वन भी एज इट इज, माइनस वन से वन गया प्लस थ्री से माइनस थ्री गया तो आंसर कितना आ गया, वन आ गया, क्योंकि आंसर जीरो नहीं है, आंसर वन है, इसीलिए एक्स प्लस वन इस पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके फोर्थ वी हैव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, फिर से वही एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की जगह माइनस वन, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस वन, टू प्लस रूट टू एक्स की जगह माइनस वन और प्लस रूट टू। नाउ इसका क्यूब माइनस वन होता है, इसका स्क्वायर वन होता है, ठीक है, पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, देन अब यहाँ पे टू है, ठीक है, ये रहा टू प्लस रूट टू क्यूब, देखिए इसको इससे क्या तो टू आया पर माइनस माइनस प्लस आ गया, सो वैसे ही रूट टू है इसको भी तो प्लस रूट टू आ गया, देन अब यहाँ पे कितना आ गया प्लस रूट टू है। देखिए पहले ब्रैकेट इसको इसको कैसे सॉल्व करना है फिर से बता रही हूँ, इसको ना ब्रैकेट खोल लीजिए, इससे माइनस टू को ब्रैकेट खोल तो माइनस टू आया, प्लस माइनस माइनस रूट टू आ गया, ठीक है, अब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस आ गया और वन टू जो टू आ गया, वैसे ही माइनस माइनस प्लस आ गया और वन को रूट टू से क्या तो रूट टू आ गया, और ऐसे ही रूट टू ऐसा का ऐसा, माइनस वन को माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस टू आ गया तो माइनस टू से प्लस टू गया, सो टू टू रूट टू प्लस टू रूट टू, तो दो रूट टू है तो आंसर कितना आ गया टू रूट टू, पर इसका आंसर जीरो नहीं है, मीन्स क्या हुआ कि ये जो एक्स प्लस वन है ये इस पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं है। आप यहाँ तक देख के उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी यूज द फैक्टर थ्योरम, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है, हमें ये दिखाना है कि जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स यानी कि पॉलीनोमियल है और जी एक्स यानी कि जिससे अभी हमने लिया हुआ है एक्स प्लस वन, तो उसे हम लोग जी एक्स बोलते हैं, तो हमें ये बताना है कि जी एक्स वो पी एक्स का पॉलीनोमियल मतलब फैक्टर है कि नहीं है। सो सबसे पहले पी एक्स क्या है, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, ये एक पॉलीनोमियल हो गया। जी एक्स क्या है, यानी कि एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन आ गई, तो एक्स की जगह पे हमने क्या रख देना है, माइनस वन रख देना है। ओके तो हमने क्या किया, एक्स की जगह पे माइनस वन रख दिया, सो टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में माइनस वन और माइनस वन, ठीक है, अब इसका क्यूब यानी कि माइनस में आता है, सो माइनस प्लस माइनस हो गया और टू वन जा टू हो गया, प्लस वन स्क्वायर का वन हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस और टू वन जा टू और माइनस वन, ठीक है, अब माइनस प्लस वन माइनस वन कट हो गया और माइनस टू प्लस टू कट हो गया, आंसर कितना आ गया जीरो आ गया, आंसर जीरो आ गया मतलब जी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस वन है वो पी एक्स का फैक्टर है। सेकंड क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इससे हमारे पास क्या है, जी एक्स कितना है टू है, जी एक्स कितना है एक्स प्लस टू है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो माइनस टू हो गई, ठीक है, तो हमें क्या रख देना है, एक्स की जगह पे माइनस टू रख देना है, माइनस टू का क्यूब, ठीक है, थ्री ब्रैकेट में माइनस टू का स्क्वायर थ्री ब्रैकेट में माइनस टू प्लस वन, टू का क्यूब एट हो गया, माइनस का माइनस आ गया, थ्री टू जा सॉरी टू का स्क्वायर करो तो फोर आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, और प्लस माइनस का ये माइनस आ गया और प्लस वन। नाउ माइनस इट एज इट इज, थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन, अब माइनस वन आ गया, इनको सॉल्व किया तो देखिए जैसे ट्वेल्व में से सिक्स गया तो सिक्स आया, ठीक है, फिर सिक्स प्लस वन सेवन और सेवन में से एट गया तो वन आया, इसलिए बड़े पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस वन आया, तो एक्स क्योंकि आंसर माइनस वन है जीरो नहीं है, तो एक्स प्लस टू इस पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं है। थर्ड वी हैव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स है, ये पॉलीनोमियल है, हमारे पास जी एक्स क्या है एक्स माइनस थ्री, तो इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा, सो अब यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह पे थ्री का क्यूब फोर ब्रैकेट में थ्री का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे थ्री और प्लस सिक्स, सो थ्री का क्यूब कितना हो गया ट्वेंटी सेवन हो गया, माइनस
36, देन प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया 9 हो गया, और इसमें से हमने माइनस किया तो कितना आया आंसर 9 आया, पर बड़े पे माइनस का साइन है इसीलिए माइनस का साइन आया, तो माइनस प्लस माइनस कट हो गया तो आंसर 0 आया। सो हाँ, एक्स माइनस 3 इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है। इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन तक आज हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।